अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बच्चों, आपको मालूम है कि आपकी क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्वर की मात्रा किसके साथ लगाई जा रही है? व्यंजन अक्षरों के साथ लगाकर क्या कर रहे हैं? हम शब्द बनाना सीख रहे हैं। तो अब तक हमने ई की मात्रा को पढ़ा है। कौन सी ई की मात्रा? छोटी ई की मात्रा हो गया, बड़े ई की मात्रा हो गया। तो हमारा स्वर अक्षर ई के बाद आता है, कौन सा अक्षर आता है हमारा? उ। कौन सा उ? छोटा उ। तो देखिए आपके पार्ट नंबर कौन सा है? ये नौ। नौ में क्या है? उ। कौन सा उ? छोटा उ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये है हमारा स्वर अक्षर छोटा उ। और छोटे उ की मात्रा को अच्छे से ध्यान से देखिए, यहाँ बाजू में है ना, ये है छोटे उ की मात्रा। तो यहाँ पर तीन व्यंजन अक्षर दिए गए हैं, कौन कौन से हैं वो पढ़िए आप। कौन सा है फर्स्ट व्यंजन? ये है व्यंजन गा। गा के साथ क्या क्या मिला है? उ की मात्रा। कौन से उ की मात्रा? छोटे उ की मात्रा। नेक्स्ट क्या है, कौन सा व्यंजन है? वो है सा। सा के साथ छोटे उ की मात्रा लगाई गई है, सु। नेक्स्ट व्यंजन कौन सा है? कौन सा है व्यंजन बच्चों? वो है झा। झा के साथ भी कौन सा उ लगाया गया है? छोटे उ की मात्रा, गु सु झू। हो गया ना। तो इसी का प्रयोग करके यहाँ पर नीचे सेंटेंस बनाए गए हैं। चलिए अब हम उसी को सीखेंगे। तो आइए फर्स्ट चित्र देखिए आप। फर्स्ट चित्र में कौन सा अक्षर है फर्स्ट? उ। कौन सा उ? छोटा उ। उ के बाद कौन सा व्यंजन है ना आप? उ के बाद है व्यंजन मा। मा के बाद क्या है फिर? आ की मात्रा। देखिए आप यहाँ तीनों भी है। देखिए उ क्या है? स्वर अक्षर। मा क्या है? व्यंजन अक्षर। फिर ये जो खड़ा टी है ना, वो क्या है? आ की मात्रा। तीनों दिया गया है ना फर्स्ट में, उ मा आ की मात्रा। क्या बन गया हमारा शब्द? उमा। फिर नेक्स्ट कौन सा है? उ। कौन सा उ? छोटा उ। उ के बाद व्यंजन ठा, उठ। उमा उठ। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, उ। कौन सा उ? छोटा उ। उ के बाद कौन सा व्यंजन है? धा। धा के बाद कौन सा व्यंजन है? रा। उधर। उ धा रा उधर। आप पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? इधर पढ़े थे ना। अब यहां पर क्या है? उधर। छोटे ई की मात्रा में इधर पढ़े थे, अब यहां पर छोटे उ की मात्रा में उधर। दोनों भी क्या है? विलोम शब्द भी होते हैं। इधर उधर। उ धा रा उधर। नेक्स्ट कौन सा व्यंजन है? रिपीट करिए आप, मेरे को बोलिए। ये है व्यंजन चा। चा के बाद कौन सा व्यंजन है? ला। क्या हो गया हमारा शब्द? चल। ये क्या हुआ? दो अक्षर वाला शब्द बनाना, चाला चल, उठा उठ। फिर ये क्या हुआ? उधर क्या हुआ? उधारा उधर। तीन अक्षर वाला शब्द बना। ये उमा क्या है? नहीं बन सकता। यहाँ पर क्या है? मात्रा का प्रयोग किया गया है। सिर्फ व्यंजन अक्षर और स्वर अक्षर को लेके आप शब्द बनाना, तीन अक्षर वाले, दो अक्षर वाले, चार अक्षर वाले। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? क्या दिख रहा है चित्र में? रोज दिखाई दे रहे ना गर्ल के हाथ में। तो देखिए आप कौन सा रोज है? वो गुलाब। गा उ की मात्रा, ला आ की मात्रा, बा। क्या हो गया ये? गुलाब। ला आ की मात्रा, ला गुलाब ला। नेक्स्ट लाइन बा हा। क्या हुआ ये दोनों? क्या है ये? व्यंजन अक्षर है। बा और हा व्यंजन अक्षर है। नीचे क्या है? हा के नीचे छोटे उ की मात्रा। फिर नेक्स्ट छोटे उ की मात्रा क्या आया? कौन सा व्यंजन है? ता। बहुत। गा उ की मात्रा, ला आ की मात्रा, बा। क्या बन गया हमारा शब्द? गुलाब। ला आ की मात्रा ला। पहले तो क्या है? गुलाब ला। नेक्स्ट लाइन क्या है? बहुत गुलाब ला, यानी ढेर सारे गुलाब ला। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन क्या है? यहाँ पर सुनार दिखाई दे रहा है ना आपको। क्या है उसके हाथ में? नेकलेस। कह का गोल्ड। क्या है? सा। सा के नीचे कौन सी उ की मात्रा? उ। कौन से उ की मात्रा? छोटे उ की मात्रा। सा छोटे उ की मात्रा, ना आ की मात्रा, रा सुनार। सा छोटे उ की मात्रा, आ की मात्रा, रा सुनार। सा छोटा उ, ना सुनार सुन। फिर नेक्स्ट लाइन झा उ की मात्रा, मा
का आ की मात्रा क्या बन गया हमारा, झुमका। हाँ, झा ऊ झू मा झुम का आ का झुमका। ब ना आ की मात्रा झुमका बना, सुनार सुन झुमका बना। नेक्स्ट और एक बार देखिए आप ऊपर, उमा उठ उधर चल। नेक्स्ट लाइन, गुलाब ला बहुत गुलाब ला। नेक्स्ट, सुनार सुन झुमका बना, क्या बनाता है सुनार, झुमका बनाता है ना, नेकलेस भी बनाता झुमका भी बनाता, दिखाई दे रहा ना आपको चित्र में, नेकलेस भी है और हाथ में झुमका है, तो वही बोल रहा है यहाँ पर, सुनार सुन झुम सुन झुमका बना। तो चलिए अब यहाँ पर नीचे आइए आप, क्या है यहाँ, लिखो और शब्द पूरा करो। पिछली क्लास में जैसा था ना, उसी तरह यहाँ पर भी आपको फर्स्ट स्टार्टिंग वाला अक्षर आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। फर्स्ट लाइन क्या है, सा उ की मात्रा ना आ की मात्रा, क्या हो गया हमारा शब्द, सुनार। नेक्स्ट लाइन क्या है, गा उ की मात्रा ला आ की मात्रा बा, क्या हो गया हमारा शब्द, गुलाब। नेक्स्ट क्या है, उधारा उधर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में ना आ की मात्रा रा दिया गया है, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टार्टिंग वाला अक्षर लिखना है। क्या लिखना है आपको, देखिए आप यहाँ पर है ना, सा उ की मात्रा, यहाँ फर्स्ट आपको पेंसिल से लिखना है, सिर्फ सा उ सु लिखना है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट में क्या है, ला आ की मात्रा बा दिया गया है, आपको फर्स्ट अक्षर गा उ गु लिखना है। हाँ, गा उ गु ला आ ला बा, गुलाब। नेक्स्ट क्या है, धारा धर दिया गया है, आपको सिर्फ स्वर अक्षर उ लिखना है, उधर। नेक्स्ट क्या है, देखो और लिखो, जैसा है वैसा ही आपको इधर एम्प्टी बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर क्या है, लिखो और शब्द को पूरा करना है, यहाँ पर क्या है, शब्द पूरा करना है, फर्स्ट अक्षर से फर्स्ट अक्षर को लिखकर यहाँ पर शब्द को पूरा करना है। यहाँ पर क्या है, देखो और लिखो, जो है वैसा ही आपको इधर एम्प्टी बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट क्या है, सा उ की मात्रा ना, क्या लिखेंगे आप यहाँ एम्प्टी बॉक्स में, सुन, जैसा है वैसा ही लिखना है आपको, सा उ की मात्रा ना सुन। फिर नेक्स्ट लाइन, उ मा आ की मात्रा उमा। नेक्स्ट लास्ट लाइन,